हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फोर क्लास सिक्स, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम नादान दोस्त जो हमारा चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के एक भाग के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा दोनों ने चिड़िया के बच्चों के लिए सुख सुविधा का प्रबंध जो है वो करते रहे हैं, परंतु उसका प्रभाव गलत पड़ता दिखता है। और अब आगे, ठीक है, तो उसका प्रभाव क्या गलत पड़ा कि जब उन्होंने देखा कि चिड़िया के बच्चे हैं उनको छूने के बाद, ठीक है, या उनके लिए उन्होंने व्यवस्था की, उसके बाद जो चिड़ा है और चिड़िया है वो आके वहाँ पर बैठते नहीं थे और वो उड़ जाते थे। आइए देखते हैं इस गद्यांश में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है और हम किस प्रकार अपने जीवन से जोड़ पाते हैं। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। तो किवाड़ जो है किसने खोला? किवाड़ क्या होता है? दरवाजा। तो दरवाजा भैया ने, केशव ने खोला था, लेकिन उसने ये बात श्यामा ने माँ को नहीं बताई, क्योंकि उसको यही डर था कि अगर उसने अपनी माँ को बात बता दी तो उसकी माँ जो है वो भैया को मारेगी। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे ना, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। केशव ने उसको अंडे नहीं दिखाए, इसलिए उसके मन में आ रहा था कि उसने उसको अंडे नहीं दिखाए, इसका बदला अब वो जरूर लेगी। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, यानी वो भैया से जो है अपने भैया से प्यार करती थी, ठीक है, इसी मारे वो चुप थी। उसको यही था कि कहीं माँ उसको ज़्यादा मार ना दे। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। अब ऐसा भी नहीं था कि श्यामा जो है वो इस कार्य में हिस्सेदार नहीं थी, केशव जितनी ही वो इस कार्य में हिस्सेदार थी, शायद दोनों ही बातें थी, तो शायद उस वजह से भी उसने नहीं बताया होगा। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी, अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे, वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई। तो किवाड़ जो है वो खुले पड़े थे, अचानक से 4 बजे के आसपास वो एकदम से उठी और ऊपर की ओर जो है वो देखने लगी, भागकर कार्निस के पास आकर खड़ी हो गई और ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो उसने देखा कि जो अंडे हैं वो नीचे गिर गए हैं, टूट गए हैं, और वो चिल्लाती हुई भैया के पास आती है और उसको कहती है कि अंडे तो नीचे पड़े हैं। उसको लगा कि बच्चे जो है इनमें से उड़ गए और अंडे जो है वो अब नीचे गिरे हुए हैं। चलिए अपनी समझ को परखते हैं, सही विकल्प चुनिए। तो देखिए, प्रश्न एक है, किवाड़ किसने खोला था? तो किवाड़ जो है श्यामा ने, केशव ने, माँ ने या सभी ने? तो बच्चों, किवाड़ जो है वो किसने खोला था? किवाड़ केशव ने खोला था। ख जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, यकायक शब्द का अर्थ है। तो यकायक शब्द का क्या अर्थ है? अचानक, धीरे से, एक एक या देखना, ठीक है। तो यकायक शब्द का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा अचानक से, ठीक है ना। हमने देखा था ना कि यकायक उसकी नींद खुलती है, यानी अचानक से उसकी नींद खुलती है। क जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, केशव को श्यामा पर विश्वास क्यों नहीं था? क, उसने अंडे नहीं दिखाए थे, उससे लड़ाई हुई थी, ग, बच्चे उड़ा दिए थे, घ, सच बोलती थी। तो केशव को श्यामा पर विश्वास क्यों नहीं था? क्योंकि उसने उसे अंडे न दिखाए थे। तो यहाँ पे ये जो है इनके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न 4 है, एकाएक नींद खुलने पर श्यामा ने क्या किया? तो एकाएक नींद खुलने पर श्यामा दौड़ती हुई कार्निस के पास जाकर खड़ी हो गई और ऊपर की तरफ देखने लगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, श्यामा ने किवाड़ खोलने की बात माँ से क्यों नहीं कही? अपने शब्दों में लिखिए। तो श्यामा ने किवाड़ खोलने की बात माँ से इसलिए नहीं की क्योंकि उसको डर था कि कहीं भैया की पिटाई ना हो जाए। तो इसी बात के डर के कारण उसने ये बात जो है अपनी माँ से नहीं कही। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक जो है गतिविधि दी गई है,
क्या आपने बचपन में कोई इस तरह की हरकत की है, याद करके लिखिए। तो अगर आपकी बचपन का कोई भी अनुभव है जिसमें आपने कोई ऐसी हरकत की हो तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात लिखी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप कोई और अगर आपका अनुभव है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। देखिए, बचपन में एक बार हम एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा अपने घर ले आए। वह बिल्ली का बच्चा बहुत छोटा था जिसके कारण वह धीरे धीरे बहुत सुस्त हो गया। तब मेरी मम्मी ने कहा कि इस बिल्ली के बच्चे को उसकी अम्मा के पास छोड़ कर आओ, क्योंकि यह अपनी माँ के बिना उदास हो रहा है। और हम फिर उस बिल्ली के बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ आए और वह एकदम खुश हो गया, ठीक है। तो यानी बिल्ली का बच्चा अपनी माँ से बिछुड़ के उदास था और जैसे ही उसको उसके पास लेकर गए तो वह बच्चा खुश हो गया, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट बेटा। आई होप आप सबको ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।